उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी डाइस टाइप का बच्चों वाला होगा थोड़ा। सिक्स में लिखा है इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, भाई टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 7 और अ सम ऑफ 11, कि आपके पास या तो भाई दो डाई आपने एक साथ फेंके। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि हमने एक डाई को दो दफा फेंका, एक सेम तरीके से होगा। तो फॉर एग्जांपल दो रीडिंग्स आपके पास आ रही है, दो डाई फेंके तो दो रीडिंग्स है ना। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या ऑड्स है, क्या चांसेस है कि जब आपने दो फेंकी आपके पास सम या तो 7 आ जाए या सम 11 आ जाए। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि 7 भी आ जाए 11 भी आ जाए, तो या तो सम 11 आ जाए या सम 7 आ जाए। तो आप खुद देख के बता सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं। खैर मजीद सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर सबसे पहले बात सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, जब दो डाइस को आप साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर 36 होंगे, 36। किसने बताया? प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने, कि पहले के अंदर 6 आउटकम है, दूसरे के अंदर 6 आउटकम है, मल्टीप्लाई करो 36 आउटकम होंगे। सबको लिस्ट कर लो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा पार्ट्स नहीं। जैसे ये सवाल 7.4 में आया था उसमें काफी ज्यादा पार्ट्स थे, तो मैंने लिस्ट करके पूरा लिखा हुआ था। तो आप लोग पेपर में इस तरह भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट के लिए कि 1 1 1 2 1 3। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह लिख सकते हो, पेपर में कोई मना नहीं करेगा आपको। आपको पता है इसके बाद 1 4 1 5 1 6 होगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 से चलता जाएगा, आखिरी क्या होगा यहाँ पे 6.6 के पहले में भी 6 दूसरे में भी 6। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो सेट की फॉर्म में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं भाई, 36 है। अब दो इवेंट यहां पे डिस्कस किए गए हैं, तो कंसीडर कर लो इवेंट ए कि आपके पास आ रहा है सम ऑफ 7, आपके पास सम ऑफ 7 आ रहा है। जहां पहले काम करते हैं इसको पहले मेंशन कर देते हैं, फिर एंड पे बता देंगे कौन सा इवेंट है। सम ऑफ 7 कैसे आ सकता है? अब आपके जहन में जो मैंने आउटकम सारे लिखे ना, आपके जहन में रॉ वाइज आने चाहिए कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह रॉ वाइज आने चाहिए। तो अब हर रॉ में चेक करोगे कि इसमें सम 7 आ रहा है। तो अगर आप पहली रॉ में देखो तो सम बिल्कुल आखिरी एलिमेंट पे आ रहा होगा 1.6 पे, तो आपने लिख दिया 1.6। और अगर 1.6 है तो 6.1 भी वैलिड है। ये जो आखिरी रॉ होगी उसका पहला एलिमेंट 6.1 होगा, तो आपने पहली और आखिरी इसमें दोनों में जिसमें सम 7 आ रहा था वो आपने लिख लिया, तो पहली आखिरी को आप छोड़ दो। अब सेकंड और फिफ्थ पे आ गया, सेकंड में आप ढूंढो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 5 का सम भी 7 आ रहा होता है, तो ये 2 5 आपने कवर किया, और इसके साथ साथ 5 2 भी कवर कर लो, ये पांचवी रॉ भी आपने कर ली। अब तीसरी चौथी पे आ जाओ, तीसरे में क्या होगा 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 4 आपके काम का होगा, 3.4, और चौथी रॉ भी कवर कर लो 4.3। ये वो 6 आउटकम्स हैं जिसमें सम जो है वो 7 आ रहा है। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, आगे इसके लिख देना कि सम ऑफ 7, शॉर्टकट है सिंपल, क्या आपको ज्यादा लिखना ना पड़े बताने के लिए कि ये सम 7 आ रहा है सम। अब एक और इवेंट डिफाइन करो, इवेंट बी, जिसमें सम 11 आ रहा हो, इसमें काफी कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली रॉ में सबसे मैक्सिमम क्या होगा 1.67 आ रहा है, 11 नहीं होगा। दूसरी रॉ में होगा 2.6, नहीं, 3.6, नहीं, 4.6, नहीं। पांचवी रॉ में जो आखिरी एलिमेंट होगा ना 5.6, उसका सम 11 आता है, तो इसके अंदर 5.6 होगा, और छठी रॉ का 6.5 होगा। ये दो ऐसे इवेंट है जिसमें सम आपके पास क्या आ सकता है 11, तो सम ऑफ 11 इसमें आएगा। चूंकि ये दोनों इवेंट जो है सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, भाई ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगी, ठीक है। और आगे आप मेंशन कर देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं भाई, 6 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 हैं। तो अब मेरे ख्याल में बेस्ट वक्त आ गया जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी लिख दो, किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, ये बराबर होगा ए की प्रोबेबिलिटी, ए की क्या है 6/36, बी की क्या होगी 2/36।
तो अल्लाह भला करे हो जाएगा 36, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 होता है 8 अपॉन 36, 8 36 के टेबल पे नहीं जाता, आप इसको 2 से कैंसिल करो 4 अपॉन 18 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाएगी 2 अपॉन 9। तो ये बच्चों आप लोगों का सवाल जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इजी इजी सवाल जो है वो हम पहले ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर ले हम, हाँ कर लेते हैं, जगह है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है थ्री कॉइन्स आर फ्लिप टुगेदर, तीन कॉइन को एक साथ हमने फ्लिप कर लिया, आर और नो क्यों किया हमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग टू हेड्स और टू टेल्स। क्या आपने तीन दफा कॉइन टॉस किया है तो या तो आपके पास दो हेड आए मतलब दो हेड एक टेल आ रहा होगा, या आपके पास दो टेल आए मतलब दो टेल एक हेड आ रहा, मतलब दो पॉसिबिलिटी कवर होंगी। पहले मैं यहां पे ना सैंपल स्पेस बना लेता हूं फिर आपको मजीद समझ आएगा। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल, भाई लिख देना पूरा, मैं भी लिख रहा, थ्री कॉइन्स को अच्छा यहां पे हम टॉस बड़ी मुश्किल से समझा था हमने इंग्लिश का वर्ड, फ्लिप भी इन्होंने कह दिए, मैं टॉस ही ठीक है भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट गेटिंग, सबसे पहले सैंपल स्पेस मेंशन कर लेते हैं, ये सवाल हमने 7.4 में भी किया था, हमें पता है इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड 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 टेल हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर क्या होता है बच्चों टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ये इसके सैंपल स्पेस है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं भाई, भाई सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 8 आउटकम है। अब इवेंट डिफाइन कर लेते हैं भाई, लेट ए इक्वल टू, इवेंट ए क्या है कि जस्ट दो हेड आए, जस्ट दो हेड का मतलब कि दो से ज्यादा ना हो या ना दो से कम हो, दो हेड एग्जैक्टली हो, तीसरे का आउट टेल होगा भाई तीसरा, बट मतलब ऐसे आउटकम जिसमें जस्ट दो हेड मौजूद हो, दो से ज्यादा ना हो दो से कम ना हो, वो वाले आउटकम आप ढूंढो। सबसे पहले आप पहला वाला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तीन हेड है, आपको दो चाहिए बस, तो एच टी एच 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 टी और टी एच एच, तो ये ऐसे हैं जिसके अंदर जस्ट आपके पास दो हेड्स हैं, तो आप लिख दो जस्ट टू हेड्स। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस इवेंट के अंदर, तीन है। फिर इवेंट बी डिफाइन करो, ऐसा इवेंट जिसके अंदर जस्ट दो टेल हो, तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जस्ट दो नहीं है बल्कि उसके अंदर तीन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितने हैं, थ्री है, तो आप लिख दो जस्ट टू टेल्स। अब भाई चूंकि ये दोनों इवेंट जो है ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आप लिख दो सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, कि भाई ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टॉस करो आपके पास दो हेड भी आ रहे हो दो टेल भी आ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, 3 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 8 3 प्लस 3 6 अपॉन 8, 6 अपॉन 8 क्या होता है 3 अपॉन 4, तो 75% चांसेस हैं, वो देखने में भी आपको लग रहा है कि मैक्सिमम आउटकम अगर आप देखो उसमें या तो दो हेड है या दो टेल है मैक्सिमम में, सिर्फ ऐसे रेयर है कि जिसमें तीन हेड है तीन टेल है, वरना मैक्सिमम में आप देखो या तो दो हेड है या दो टेल है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आप तीन कॉइन को टॉस करो तो इन्हीं में से या तो दो हेड आ रहे हो या दो टेल आ रहे हो, 75% चांसेस हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक आखिरी है जो कार्ड्स और नंबर और डाइस इनसे रिलेटेड है, कॉइन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ सेट ऑफ 21 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 21, तो 21 कार्ड है 1 से लेकर 21 तक, तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या होगा 1, 2, 3 अप टू 21 तक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 21 है। वन इज ड्रॉन एट रैंडम, किसी भी एक कार्ड को ड्रॉ किया, वन मतलब वन वाले कार्ड को नहीं किया, एक कार्ड को ड्रॉ किया, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम मतलब एक कार्ड को हमने उठाया
क्या आपके पास 21 कार्ड थे उसमें से क्या मैंने ड्राउन और रैंडम को मिक्स कर दिया है? रैंडम लिखा था वो आता है ना यार, अल्लाह माफ करे मेरी इंग्लिश जो है ना कसम से आईसीयू में है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, रैंडम में वो आता है। अच्छा लिखा हुआ शो दैट द चांसेस दैट इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 7। अब थोड़ा उन्होंने नेक्स्ट लेवल का दिया है कि भाई आपने कार्ड उठाया है, 21 कार्ड है, 1, 2, 3 सब 21 कार्ड पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने कार्ड उठाया, प्रूफ करो। अब नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, वो कह रहे हैं निकालो निकालो, नहीं हमने निकाल लिया, तुम बस प्रूफ करो, आप कि प्रूफ करो कि जो कार्ड आया है या तो वो 4 का डिविजिबल हो और यूनियन का केस है, या वो 7 से डिविजिबल हो, और इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या प्रूफ करनी है 8/21। नेक्स्ट लेवल हो गया वो, अब हमें वो प्रूफ करने को बोल रहे हैं, इतने बड़े हो गए। अब सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस डिफाइन सॉरी इवेंट्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले इवेंट ए क्या है? डिविजिबल बाय 4। अब 1 से लेकर 21 तक डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है किसी भी नंबर से डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, क्या आंसर में आपके पास होल नंबर आ जाए, कोई पॉइंट शॉइंट में ना जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाए जब आप डिवाइड करो। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20। 1 से लेकर 21 के दरमियान ऐसे नंबर है जो डिविजिबल पर 4 है, तो आगे मेंशन कर दो डिविजिबल बाय 4। और इसके अंदर कौन कितने एलिमेंट्स हैं भाई? इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरा एलिमेंट डिफाइन करो पी जो डिविजिबल बाय 7 था, तो इसमें 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? डिविजिबल बाय 7। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है भाई 3। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आप लोग मुझसे आप बेहतर जानते होंगे, तो बस जो भी जानते हो यहां पे मेंशन कर देना, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। नाउ इसके बाद क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके बराबर होनी चाहिए भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये होता है पी ए यूनियन बी। ए की प्रोबेबिलिटी होगी भाई 5 एलिमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 21, इसकी कितनी है 3 एलिमेंट है डिवाइडेड बाय 21। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको मालूम नहीं करनी बल्कि प्रूफ करनी है 8/21 है, तो आप जरा एलसीएम लो यहां पे 21 एलसीएम आएगा 5+3, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 8/21। अब जब आप डब्बा बनाओगे तो साथ ये मेंशन कर देना कि आपने ये प्रूफ कर दिया है, दैट्स इट, प्रूफ लिख देना बस कि प्रूफ कर दिया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है 8/21 आ रही है। अच्छा जी, तो बच्चों नंबर्स वाले सारे हो गए, अब थोड़े मुश्किल वाले हैं ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट वाले लेंथी हैं, थोड़े समझने के लिए थोड़े मुश्किल है, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूं ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है देयर आर 5 कार्स इन अ रेस, भाई 5 कार है रेस के अंदर, अच्छा जी, फोर्ड शेवरलेट डायहत्सु सुजुकी टोयोटा, ये 5 गाड़ियां रेस में शरीक हो रही हैं। 3 out of these 5 will be winners. ये वैसे पहली दफा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलो कंसिडर कर लिया होगा, 5 है भाई, 5 में से 1 को जिताओ 3 को जिता रहे, 5 में से भाई 3 पोजीशन विनिंग है, पहले पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ, आप जीते हुए माने जाओगे, विनर हो गया। यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, थर्ड, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं किए, बस ये कि आप जीत जाओगे, पहले पे आओ, दूसरे पे आओ, तीन पे आओ, 3 विनर इसके अंदर होंगे, जो 3 होंगे स्टार्टिंग के, जो 3 पहले पहुंचेंगे वो विनर हो जाएंगे। What is the probability that both Ford and Chevrolet are winning? तो बाकी पार्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बार डाटा बनाओ, नंबर ऑफ कार्स कितनी कार्स हैं भाई 5, और देयर विल बी 3 विनर्स, कितने विनर्स होंगे 3 विनर्स होंगे। अब इस सवाल को करने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप इसको इस तरह समझो
नॉर्मली आप गाइड्स में या देखो ना सॉल्यूशन, मैं खासतौर प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन देख लेता हूँ कि यार छोटा सॉल्यूशन किसके अंदर है, तो ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर है। नॉर्मली आप गाइड में डिफरेंट लंबे लंबे उन्होंने किए हुए होते हैं। खैर मैं जो आपको समझाने लगा उस पर जरा फोकस करो कि भाई आप समझो कि आप पांच गाड़ियां हैं आपके पास, मैं निकाल रहा हूं किसी भी गाड़ी के जीतने के चांसेस, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको इस तरह लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग के चांसेस क्या है, फिर हम ओवरऑल सब पे लगा देंगे क्योंकि अभी मैं सबकी निकाल रहा हूं, सबकी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, सबके जीतने के चांसेस इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसा ऑलरेडी कंसिडर होता है कि यार सबके इंजन ठीक है, सबके मतलब बराबर बराबर ही गाड़ी है, सबके बाद जीतने के इक्वल चांसेस है, कोई बाइस नहीं है यहाँ पे, कोई गाड़ी खराब नहीं है, जो बात यहाँ पे एक के लिए की जाएगी सबके लिए की जाएगी। तो पहले मैं ओवरऑल निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई पांच, इसको समझ लो कि पांच पोजीशन है आपके पास, पहली पोजीशन पे अगर आए तब भी आप जीत जाओगे, दूसरी पोजीशन पे आए तब भी आप जीत जाओगे, तीसरी पोजीशन पे आओगे तब भी आप जीत जाओगे। तो यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीतना जो एक इवेंट है इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, इसको तीन केस फेवर कर रहे हैं, ये जो जीतना है ना इसको, ये जो इवेंट है जीतना इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, इसको तीन केस फेवर कर रहे हैं। आप पहली पोजीशन पे आ जाओ, आप दूसरी पोजीशन पे आ जाओ, आप तीसरे पे आ जाओ, तीनों पोजीशन पे आपको विनर माना जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई, थ्री आएगा। सवाल यह है कि टोटल पोजीशन है कितनी, टोटल पोजीशन पांच है, तो इसका मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या है, 3/5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 गाड़ियां होती और आपने एक को जिताना होता तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 1/10, सब गाड़ियों की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाती, और उस केस में फिर सबकी प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 के बराबर होता। इस केस में ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि तीनों पोजिशन पे लोग जीत रहे हैं, दैट्स व्हाई आप सबकी, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है ना, सम करोगे तो 1 के बराबर नहीं होगी। तो यहां पर जो 3/5 प्रोबेबिलिटी आ रही है वो सबकी होगी, क्यों, क्योंकि सबके पास तीन पोजीशंस हैं, सब पहले पे भी आ सकती हैं, दूसरे पे भी आ सकती हैं, तीसरी, कोई भी तीन ऑप्शंस हैं उनके पास, और ओवरऑल ऑप्शन कितने हैं पांच, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। तो यही प्रोबेबिलिटी बाकी के लिए भी है, तो हम एक वर्डिंग लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, सबसे पहली गाड़ी फॉर्ड थी उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ शेवलेट, बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइहत्सु, बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजुकी, बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टोयोटा टी, लिख देते हैं, मेरा होंडा ध्यान में आ रहा था, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी और क्या होगी 3/5 होगी। अब पार्ट वन क्या था, पार्ट वन था कि फोर्ड एंड शेवलेट दोनों विनर बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पार्ट वन क्या है, फोर्ड एंड शेवरलेट आर विनर्स, ठीक है, तो बहुत इजी है निकालना भाई। अच्छा अब यहां पे आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, ये दोनों, अच्छा बोथ, एंड का वर्ड आ गया है, बोथ खुद ही आपको बता रहा है, लेकिन एंड पे अगर आप फोकस करो दोनों की बात की जा रही है, तो यहां पे आप लिखोगे पी एंड बी, चूंकि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, पहला विनर बन गया तो दूसरी गाड़ी पे कोई असर नहीं पड़ना, पहली अगर फोर्ड विनर बन गई तो शेवलेट पे कोई असर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी जीतने की 3/5 ही है, ठीक है, तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट आप किस तरह करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे पी एफ मल्टीप्लाई पी सी, तो पी ऑफ एफ क्या है 3/5, पी ऑफ सी क्या है 3/5, तो अल्लाह आप लोगों का भला करे, इसको ए भी नहीं करते, इसको हम एफ और सी कर लेते हैं, तो एफ इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/25, तो ये पार्ट वन हो गया। बच्चों पार्ट टू भी ऐसे ही है, लिखा हुआ बोर्ड डाइहत्सु एंड सुजुकी आर विनर्स, तो सेम उनकी प्रोबेबिलिटी भी यही आएगी, वो कर लेना आप लोग पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू है डू इट योरसेल्फ, पार्ट नंबर थ्री भी वैसे कर सकते हो। पार्ट नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, फोर्ड डाइहत्सु एंड टोयोटा आर विनर, के तीनों विनर बनने हैं, तो ये भी आप लोग खुद ही करना है यार, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, डू इट योरसेल्फ। क्या करना है आपने, तीन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये तीन इवेंट थे यहां पे, कौन कौन से इवेंट होंगे, फोर्ड डाइहत्सु टोयोटा, तो पी के अंदर आप लिखोगे एफ इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन टी टोयोटा, मतलब तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ये जो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की आप निकालते हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, इसमें जितने भी इवेंट है मल्टीप्लाई करते रहो प्रोबेबिलिटी, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी तीन दफा मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 125, बस कर लेना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी दैट हबीब विल एबल टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज 1/5, तो अब इसको इस तरह लिख दो, प्रोबेबिलिटी
ऑफ हबीब टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 1/5. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ताहा टू एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज 1/4. इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली ऑन द प्रॉब्लम, कि दोनों बॉय अलग अलग किसी भी एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, तो ताहा अलग उन 10 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बैठ के. जितने सॉल्व हो गए, प्रॉबिलिटी तो खैर ताहा की ज्यादा है, 25% प्रॉबिलिटी है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है. कोई भी नया क्वेश्चन आता है सीख रहा होगा बेचारा, और हबीब तो खैर तफरियां कर रहा होगा, 20% चांसेस है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसके. खैर, इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली, भाई बोथ ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली, वो अलग अलग कर रहे हैं, इससे आपको ये बात समझ आएगी कि इंडिपेंडेंट का केस है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. हबीब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करे, इसका ताहा पे कोई असर नहीं है. ताहा ने अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, हबीब ने अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इवन आप क्वेश्चन भी सेम कर दो, उसके भी वही 10 कर दो, इसके भी वही 10 कर दो, वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, हबीब को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हबीब ताहा को कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो अपना करता रहेगा. ताहा को सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा, उसे हबीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने अपने काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. यहां पर तो करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला पार्ट कि बोथ विल सॉल्व इट, एंड की कंडीशन है. यहां पे एंड लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप खुद इस बात को समझ सकते हो कि दोनों किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही प्रॉब्लम कंसिडर किया है, ऑन द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक ही प्रॉब्लम है, ताहा उस प्रॉब्लम पे अलग काम कर रहा है, हबीब उस प्रॉब्लम पे अलग काम कर रहा है. प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों ने सॉल्व कर लिया, ताहा ने भी सॉल्व कर लिया एंड हबीब ने भी सॉल्व कर लिया, तो आप इसको किस तरह लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड टी, तो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी. क्यों? क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट में एंड की आप किस तरीके से निकालते हो, इस तरीके से निकालते हो. अच्छा जी, ये हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी, हबीब की प्रोबेबिलिटी 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. तो दोनों किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जाहिर सी बात है दोनों नल्ले हैं, दोनों बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व करते, प्रोबेबिलिटी देखो ना 25% 20% प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की, तो ये तो बहुत ही रेयर होगा, और कम चांसेस होंगे कि दोनों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत ही कम चांसेस है इसके. तो 1/20 खुद हिसाब लगा लो, 4-5% प्रोबेबिलिटी बनेगी शायद, हाँ 5% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सॉल्व कर लें इसको. बारह उसके बाद लिखा हुआ है एटलीस्ट वन विल सॉल्व इट. अब यहां से एक चीज स्टार्ट हो रही है जो बाकी क्वेश्चंस में आपने फॉलो करनी है, एटलीस्ट कोई एक सॉल्व कर ले. अब ये जो बात होती है ना एटलीस्ट की, इसके अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन विल सॉल्व इट, याद रखना है जो एटलीस्ट का वर्डिंग होता है ना, या आइदर के वर्डिंग होती है, ये एक ही मानों में आप इस्तेमाल करोगे इस वाले इन केसेस में. मतलब कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एक सॉल्व कर ले, मतलब हबीब सॉल्व कर ले, या ताहा सॉल्व कर ले, या दोनों सॉल्व कर ले, मतलब किसी एक से सॉल्व हो जाए या किसी दोनों से सॉल्व हो जाए, दोनों कंडीशन इसके अंदर लाई कर रही होती है. ये जो आइदर की कंडीशन है, आइदर के अंदर भी सेम हम कंसीडर करते हैं, आइदर के अंदर भी हम कंसीडर करेंगे ये कि अगर वो डिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो. ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट है, तो मैंने बताया था जो इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है. तो जहां पे इंडिपेंडेंट है इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. तो कहने का मतलब आइदर भी अगर आपके पास आए ना, तो उसका मतलब ये होगा कि या तो हबीब कर ले, या ताहा कर ले, या दोनों भी कर ले, तो आइदर के अंदर भी ये कंडीशन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं यहां के अंदर, ठीक है. तो इसको मैथमेटिकल किस तरह लिखते हो, मैथमेटिकल आप इसको यूनियन करके लिखते हो. ये जो आपके पास ए यूनियन बी है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप वेन डायग्राम आप लोगों को याद हो, वेन डायग्राम मैंने शायद अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, नहीं फर्स्ट के तो अपलोड नहीं की, शायद अलग से कोई वीडियो अपलोड की हो, टॉपिक्स अपलोड करता था मैं, मुझे नहीं याद. पर वेन डायग्राम में भी आपने अगर ये बात ऑब्जर्व की हो, तो ए यूनियन बी अगर आप बनाते हो, तो ए यूनियन बी ये पूरा होता है. तो इस ए यूनियन बी में आप ऐसा रीजन देखोगे जो जस्ट ए से बिलोंग कर रहा है, ये वो रीजन है जो ए से बिलोंग कर रहा है, ये वो रीजन है जो बी से बिलोंग कर रहा है, और कुछ ऐसा रीजन भी है जो इंटरसेक्शन है. मतलब ए यूनियन बी में आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ बी से कर रहे होंगे, कुछ इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों. इस एग्जांपल में किस तरह समझोगे, इसका मतलब या तो हबीब ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, या मे बी ताहा ने सॉल्व कर लिया होगा, या दोनों ने सॉल्व कर लिया होगा, ये इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है. तो ये एटलीस्ट आ जाए
तो समझ जाओ कि इसके अंदर आप ये काम करोगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब यहां पे बोलोगे सर आपने तो बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर ये नहीं होता, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसने कहा है कि आपको ये है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है यहां पे, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। इसी तरह अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई यहां पे ये वाला टर्म आएगी, और इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है इंडिपेंडेंट के इंटरसेक्शन आप किस तरीके से निकालते हो, सिंपल ये फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे क्या है बच्चों, मतलब यहां पे वर्डिंग चेंज कर दो ना, एच ये टी हो जाएगा, फिर यहां पे एच आ जाएगा, यहां पे टी हो गया, एच एंड टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है 1/4 माइनस इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाली गई, ये हो जाएगा। तो बस आप इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, एलसीएम लो 20 आ रहा है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 8/20। तो H यूनियन T आ जाएगा 8/20। ये बच्चों पार्ट नंबर 2 जो है उसका आंसर आ गया है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है नाइदर वन विल सॉल्व इट, कि इसमें से कोई भी सॉल्व ना करे। अब ये वो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है जो आगे सब क्वेश्चंस में आएगी, एक ही दफा मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, तो गौर से समझ लेना इसको। जब भी आप यूनियन निकाल रहे हो ना, यूनियन के अंदर क्या होता है कि आइदर आप वर्ड यूज कर सकते हो कि या तो हबीब सॉल्व कर ले, या तहा सॉल्व कर ले, या दोनों सॉल्व कर ले, सब कैटेगरी आ जाती है। नाइदर वन विल सॉल्व इट, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी ना करे, मतलब ना हबीब कर सके, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, नाइदर हबीब नॉर ताहा विल सॉल्व एनी क्वेश्चन, नाइदर वन विल सॉल्व इट, ठीक है। इस तरह भी आप जो मैंने बताया ना, उस तरह भी आप लिख सकते हो, क्लियर अगर आप लिखना चाह रहे हो। तो नाइदर का मतलब इसमें से कोई भी सॉल्व ना करे। तो पहली बात ये एंड की कंडीशन है, ये एंड की कंडीशन कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन है, यूनियन के अंदर तीन केस डिस्कस होते हैं। पहला केस होता है कि मे बी हबीब ने कर लिया हो, दूसरा केस भी तहा ने कर लिया हो, तीसरा केस कि दोनों भी तो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों ने भी किया हो, ठीक है, मतलब एक किसी क्वेश्चन को दोनों ने सॉल्व कर लिया। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, इसका मतलब वो वाले एलिमेंट्स जो ना ए से बिलोंग करते हैं, जो ना बी से बिलोंग करते हैं, और ऑब्वियसली इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इसको इस एग्जांपल पे लाओ के ए यूनियन बी, मतलब यहां पे एच यूनियन टी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, इसका मतलब होगा ना वो क्वेश्चन हबीब से सॉल्व हुआ, ना वो क्वेश्चन तहा से सॉल्व हुआ। कॉम्प्लीमेंट इसका क्यों है, क्योंकि इस इवेंट का मतलब है कि या तो हबीब सॉल्व कर लेगा या तहा सॉल्व कर लेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि ना हबीब से सॉल्व हुआ ना तहा से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये जो नाइदर वन की कंडीशन होती है, आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको ए यूनियन बी पता है तो उसका अपोजिट क्या होगा कि भाई दोनों से सॉल्व नहीं हुआ, दोनों से काम नहीं। तो यहां पे आप प्रोबेबिलिटी ये निकालोगे, तो नाइदर की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ए यूनियन बी प्राइम लिख दो आप, प्राइम का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की आपको प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, 1 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन, यार अगेन मैं ए लिख रहा हूं, एच यूनियन टी, ये हो जाएगा एच यूनियन टी। तो 1 माइनस 8/20, ये जब आप सॉल्व करोगे तो 12/20 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस कंडीशन को मजीद समझना चाहते हो ना, इस कंडीशन को अगर खोल के मैं लिखना चाह रहा हूं, मैंने क्या बोला है कि यूनियन का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना, इसका मतलब ना हबीब से सॉल्व होगा ना तहा से सॉल्व होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस चीज का नेगेटिव अपोजिट। यूनियन का मतलब है या तो तहा सॉल्व कर ले या हबीब सॉल्व कर ले या दोनों ने सॉल्व कर लिया होगा, इसका अपोजिट के दोनों से नहीं हुआ सॉल्व, दोनों नहीं कर पा रहे। और इस कंडीशन को आप एक और चीज में लिखूंगा आपको तब बात ज्यादा समझ आ जाएगी। ये जो एच यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट है, आगे देखना आपको कहोगे सर क्या बात बता दी है, एच यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है आपको, डी मॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि एच यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। इस कंडीशन को अगर आप पढ़ना सीख लो तो आप समझ जाओगे मैंने बात बिल्कुल ठीक बोली है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसके दरमियान एंड आ रहा है, ये इंटरसेक्शन यहां पे एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एच का मतलब था कि हबीब सॉल्व करेगा, एच कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हबीब सॉल्व नहीं करेगा।
टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टी का मतलब था हबीब, तहा सॉल्व करेगा, टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब तहा सॉल्व नहीं करेगा। तो हबीब भी सॉल्व नहीं करेगा, तहा भी सॉल्व नहीं करेगा, इंटरसेक्शन के साथ आया है, मतलब कि वो क्वेश्चन ना हबीब से सॉल्व हुआ एंड वो क्वेश्चन ना तहा से सॉल्व हुआ, ये होता है नाइदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, थोड़ी मस्तियां भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, आपके सवाल को जैसे मैंने बताया ना, ये वाली चीज जो है इसको आपने यूनियन से निकाल लिया, तो ये भी एक तरीका है। अब इसे दूसरा तरीका तो भी मैंने बताया था, क्या क्या करो, हबीब कॉम्प्लीमेंट की निकाल लो, हबीब कॉम्प्लीमेंट कि हबीब किसी क्वेश्चन को ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 1 से माइनस करना 4/5 आएगी। तहा किसी क्वेश्चन को सॉल्व ना करे, 1 से माइनस करना 3/4 आ जाएगी। ना हबीब ने क्वेश्चन सॉल्व किया और साथ साथ ना तहा ने सॉल्व किया, मतलब एंड का केस है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20, एग्जैक्ट वही चीज आ रही है। ये है मैथ कि जब आप चीजों को सीख जाओ तो आप ना समझ सकते हो। तो यहां मैंने चीज क्लियर कर दी है जो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि अगर आपको यूनियन पता है, यूनियन के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं कि या तो वो एक से हो रहा है, या वो दूसरे से हो रहा है, या वो दोनों से हो गया, मतलब कॉमन चीज होती है। जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो उसका मतलब ना पहले वाले से हुआ है ना दूसरे वाले से हुआ है, ये कैटेगोरिकल बात थी जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी कि ना पहले से हुआ, ना पहले से कॉम्प्लीमेंट, ना हबीब से नहीं हुआ, तहा से भी नहीं हुआ, इंटरसेक्शन एंड, मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि हबीब से नहीं हुआ होगा या तहा से नहीं हुआ होगा, नहीं दोनों से नहीं हुआ होगा, ये होता है ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो। तो ये कंडीशन आपने अब आने वाले सब सवालों के साथ अप्लाई करनी है।